इतना अच्छा हल्का फील हो रहा है, लग रहा है कि व्हीली व्हीली कर दूं, सच बता रहे हैं। और जो आपको बॉडी ब्लेसिंग मिल रही है ना, ओ माँ भाई आप खुदा अपना का चला दिया, अभी खुदा दिया मैंने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ है एक्सट्रीम 160R डुअल चैनल ABS 2024 में लेटेस्ट वाली, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो आइए आज इसके बारे में बात करेंगे, स्पेक्स फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन 2024 मॉडल एंड 2023 मॉडल एंड 2024 मॉडल, ठीक है। तो पूरे सिनेमैटिक से एंजॉय कीजिए आप लोग। होप करते हैं सिनेमैटिक्स पसंद आई होंगी। बाकी अब अगर बात करते हैं तो ऐसा डिफरेंसेस जो हैं वो तो है ही, आपको नेक्स्ट वीडियो पर चल जाएगा, अभी बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में। तो बाकी अगर बात करें सबसे पहले इसका लुक्स, आप देखिए कैसा चेंज हो गया है, सिंगल सीट देखने मिल जाती है, हालांकि वो ज़्यादा एग्रेसिव लगती थी, बट ये वाली जो है ना ये ज़्यादा स्ट्रीट फाइटर काइंड ऑफ लुक देखने मिल जाता है, और वो छोटी होने की वजह से ना, लाइक खड़ी होने की वजह से ना पीछे से ज़्यादा हल्की लगने लगी है, ठीक है। लाइक 1 kg वेट इसका कट गया है और पीछे भी काफ़ी हल्की हो गई, तो और ईजी टू मनूवर हो गया। पहले थोड़ा सा बड़ा फील आता था आपको, अभी तो छोटा फील आएगा, लेकिन हाँ वो और ज़्यादा ईजी हो गया बॉडी बैलेंसिंग में और आपको ईज कर देती है, ठीक है। बात करते हैं इसके मतलब सेटअप के बारे में, तो ऑल LED सेटअप, हेडलाइट LED, इंडिकेटर LED, बैकलाइट LED, ठीक है। बैकलाइट के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो भी जो है काफ़ी सुंदर बना दी गई है। बगैर बात करते हैं तो हमें अभी USD देखने मिल जाती है, 37mm का USD फोक्स यहाँ पर देखने मिल जाता है KYB की तरफ से। बाकी बात करते हैं ब्रेकिंग की, डुअल चैनल ABS यहाँ पे हमें देखने मिल जाती है। भाई डुअल चैनल ABS इसमें दे दी गई है, तो भाई सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। टायर साइज़ की अगर बात करते हैं तो फ्रंट में हमें यहाँ पे CR के टायर देखने मिल जाते हैं, 100x86 के टायर है, 17 inches का उसके साथ। बाकी ये कुछ इस तरह की है, यहाँ पे डुअल पैटर्न में हमारा मडगार्ड जो है देखने मिल जाता है, फाइबर का ही मडगार्ड है। बाकी कलर यहाँ पे काफ़ी सुंदर दिखाई देखने में हमें मिल जाती है। यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट के एरिया हो गया, यहाँ पे हीरो की बैजिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्सचर्ड काइंड ऑफ फिनिशिंग मिल जाता है, LED लाइट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो हमें यहाँ पे 276mm का फ्रंट डिस्क देखने मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी बड़ी है। पेडल डिस्क है यहाँ पे, तो वो भी काफ़ी सही है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा एनहांसमेंट देखने मिल जाता है। टैंक की बात करें, 12 लीटर का टैंक है भाई, टैंक काफ़ी सुंदर यहाँ पे देखने मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज टैंक है भाई। ग्राफिक्स जो है इसे काफ़ी मेरे को पर्सनली पसंद है, ये कलर मेरे को पर्सनली पसंद है, काफ़ी सुंदर लगता है। 160 ग्राफिक्स है यहाँ पे, हीरो एक्सट्रीम यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड सी दी हुई है। बाकी टैंक देखो आप भाई, काफ़ी बड़ा लगता है, जब चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी सुंदर है। बाकी अगर नीचे की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें यहाँ पे 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिल जाता है। इंजन काउल है इस साइड भी उस साइड भी, इंजन का थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ है, देखो यहाँ पे 4V का यहाँ पे बैजिंग है, बीच में खाली है, ये प्लास्टिक फाइबर पार्ट इस साइड है और उस साइड है। बाकी नीचे यहाँ पे भी यहाँ पे कवर आएगा आपका जो अभी नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे एक अलग से फाइबर का कवर देखने मिल जाता है जो कि वहाँ से है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक मेटल काइंड ऑफ सीट की आती है, तो कुछ इस तरह का है, मतलब ब्रोकन पार्ट्स में है, एक पार्ट नहीं है हमारा। बाकी अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो हमें यहाँ पे 163.2 cc का 4-stroke 4-valve वाला ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर FI इंजन देखने मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 16.9 PS का पावर एंड 14.6 Nm का टॉर्क। भाई अगर वेट की बात करते हैं तो 146 kg का यहाँ पे हमें वेट देखने मिल जाता है, सॉरी 145 kg, भाई 1 kg और कम कर दी गई है, ठीक है। तो भाई पावर टू वेट रेशियो यहाँ पे काफ़ी अच्छी होने वाली है, इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, चलते समय उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी यहाँ पे ब्रेक्स हो गए, यहाँ पर मैं एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट के ऊपर भी कवरिंग आएगी तो और ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा सुंदर लगती है, डिज़ाइन के साथ काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजेंबल कर जाती है। बाकी इंजन में कौन ज़्यादा ध्यान देते हो ना, यहाँ पे ऑयल कूलर है, बाकी ऊपर में यहाँ पे गोल्डन कलर का देखने मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। बाकी FI का ब्रांडिंग हो गया। फिर इधर बात करते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे हमें पहले ये ऐसा नहीं मिलता था, ये बॉडी कलर में नहीं मिलता था, ये ब्लैक आउट ग्रे काइंड ऑफ में मिलता था, अब यहाँ पे बॉडी कलर में देखने मिल जाता है। बाकी अगर बात करते हैं पीछे डिस्क की, तो हमें यहाँ पे 220mm का पीछे डिस्क नहीं मिल जाता, पीछे भी ABS है। बाकी बात करते हैं अगर सीएस टायर्स की, तो पीछे हमें C8 के ही जूम टायर्स नहीं मिल जाता है। टायर साइज़ की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे 30-70 टायर्स नहीं मिल जाते हैं, 130-70 टायर्स हैं, 17 inches का लगे टायर्स, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, तो मतलब रोड ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। अब पीछे से देखो कितनी सुंदर लग रही है, रुकिए आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, देख रहे हो
भाई बैकलाइट के ऊपर काफ़ी परफेक्ट सा काम किया गया है। बहुत लोगों को वो पुरानी वाली बैकलाइट पसंद नहीं आती थी, ये वाली भाई काफ़ी स्लीक है, ये फॉर श्योर आप सबको पसंद आने वाली है। बाकी इंडिकेटर्स हो गए, यहाँ पर नंबर प्लेट कैरियर हो गया। अब जैसे मेरे बारे में पर्सनली पूछा जाए ना, मैं तो बोलूँगा पीछे टिल्ट आईडी कर दो, जो बवाल दिखेगी ना मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। साइड वाइज अगर बात करते तो हमें यहाँ पे साड़ी का देखने मिल जाता है। BS6 नॉर्म्स के अनुसार ओपन सिस्टम है, तो थोड़ा बहुत चेंज का मेंटेनेंस आपका रहने वाला है। साइज 10 साइज ऑफ सेंसर, 5 स्पीड गियरबॉक्स और मेन स्टैंड भी इसमें देखने मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो सीट्स यहाँ पहले से बेटर कर दी गई हैं, प्रैक्टिकल बना दिया गया बाइक को। लाइक पहले क्या था, थोड़ी उठी हुई थी तो भाई फैमिली वगैरह को बैठने में दिक्कत होती थी, अब ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी इसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंगल सीट देखने मिल जाती है, 160R का यहाँ पर बैगिंग देखने मिल जाता है। कुशनिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने मिल जाती है, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। बाकी टैंक तो 12 लीटर का आपको बता दिया था, कुछ इस तरह का टैंक है भाई, टैंक काफ़ी ब्रॉड है। E20 का स्टिकरिंग है यहाँ पर। बाकी बात करते हैं तो यहाँ पर मीटर की अगर ध्यान देते हैं तो चलो मीटर को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह का मीटर है, ओडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी सब कुछ यहाँ पर देखने मिल जाती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर भी है, टाइम भी है, फ्यूल गेज भी है। और बात करें ट्रिप ए हो गया, ट्रिप भी हो गई। बाकी जब स्टार्ट हो रही है तो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, तो मतलब बैटरी, फिर कॉल, SMS अलर्ट्स, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती हैं। और जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ पे आपको, हाँ, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। स्टार्ट होते देखिए गेट सेट गो का यहाँ पे दिखाता है। बाकी और अगर बात करें तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह भी सेट कर सकते हो, अभी यहाँ पे हम लोग ने 100 पर ब्राइटनेस कर दी गई है। बाकी और बात करते हैं अगर, तो पास लाइट हो गया यहाँ पे, अपर डिपर हो गया। बाकी यहाँ बात करते हैं इंडिकेटर्स हो गए, हॉर्न हो गए, सिंगल ऑन देखने मिल जाता है। बाकी इंटीग्रेटेड यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट बटन देखने मिल जाती है और हैजार्ड का यहाँ पे स्विचिंग देखने मिल जाता है। एक और सेफ्टी फीचर इसमें ऐड कर दी गई है कि अगर आप इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो 30 या 40 की स्पीड पर इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो आपका हैजार्ड चालू हो जाएगा, तो ये एक अच्छी सेफ्टी फीचर यहाँ पे हमें देखने मिल जाती है। अब स्टार्ट करते हैं इसका राइड रिव्यू और चला के बताते हैं कि कोई डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि ऐसा डिफरेंस नहीं है, इंजन तो सेम है आपका, प्लस 1 kg कम कर दी गई है, तो वो आई डोंट थिंक सो इतना इफेक्टिव होने वाला है। बाकी हाँ, ये चला के इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्जॉस्ट में सुन लेते हैं, तो सेम वाइब आ रही है जो उस वाले इंजन में आती थी, एकदम सेम वाइब है, उतना ही रिफाइनमेंट है और उसी तरह का एग्जॉस्ट नोट जो है देखने मिल जा रहा है। बाकी सीटिंग पोजीशन भी कुछ उसी तरह की है, ऐसा जो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलते। लेकिन हाँ, उस वाले में क्या था ना कि पीछे जो थोड़ा सा हम्प था, ठीक है, लाइक कट सीट थी, तो पीछे से एक सपोर्ट था, वो चीज़ अब खाली मिलती है, तो एनीवेज ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलते हैं। अब चलिए स्टार्ट करके चला के बताते हैं आपको कि कैसा फील दे रही है। बैठने का जो पोजीशन है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, लगभग सेम काइंड ऑफ में ही आप बैठते हो। लेकिन हाँ, जो लाइट वेट हुई है ना, वो फील हो रही है थोड़ी सी। अब आई डोंट नो कि वो किस तरह से फील हो रही है, लाइक हो सकता है कि मेंटली मैंने देखा है सामने से कि पीछे वाला खाली है, इस वजह से फील हो रहा है कि क्या पता नहीं, बट हाँ फील हो रही है। पहले से ज़्यादा नंबल और पहले से ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी फील हो रही है कि अब इस पर अच्छा आपको एक बॉडी बैलेंस देखने मिल जाता है, लगता है कि हाँ आप इसको आप दौड़ाओ, तो वो एक चीज़ इसमें आप देखने मिल जा रही है। बाकी इंजन की रिफाइनमेंट की बात करें तो भाई इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। ब्रेक्स अब इसमें हमें डुअल चैनल ABS देखने मिल जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इंजन का रिस्पॉन्स पहले से मुझे बेटर लग रहा है, हालांकि इंजन का सब कुछ सेम ही है, बट पहले से बेटर जो है कर दिया गया है। आई थिंक हैंडल में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, जाकर रोक के एक बार चेक करेंगे उसके बारे में, लेकिन चलाने में ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब पहले भी मज़ेदार थी, ये वाली और ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। भाई पिकअप काफ़ी सुंदर है। बाकी जो अपडेट्स है ना, वो पहले वाले से इसमें काफ़ी ज़्यादा कर दिए गए हैं। बैकलाइट तो भाई गजब, और रोड प्रेजेंस बढ़ गया है, सब देख रहे हैं भाई लिटरली घूम घूम के कि क्या है ये, मज़ेदार है भाई मज़ेदार। ओ भाई ग्लव्स भूल गए, सॉरी वही रखा हुआ है, ग्लव्स भूल गए पहनना। एनीवेज अगर बात करते हैं वाइब्रेशंस की, तो ऐसा सच वाइब्रेशंस नहीं है, बट हाँ एक इंजन का वाइब है जो आपको मिलेगा जब आप बाइक को चलाओगे, वो इंजन का वाइब है, मतलब ऐसा जब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है कि हाँ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का हैंडल पाएगा, हल्का फुल्का फुटपैक्स पाएगा, जो कि आई थिंक आनी चाहिए, मतलब उतना तो आपको लगना चाहिए ना कि आपको इंजन चला रहे हो, तो वो एक चीज़ है। बाकी क्लच सुपर लाइट, ठीक है, जो सुपर लाइट बोलते हैं वो सुपर लाइट है, एकदम भी आपको मतलब हैसल फ्री क्लच है, कोई डिफरेंस दिक्कत आपको नहीं होती है।
बाकी अगर बात करें फुटपैक्स की तो वो थोड़े से रेयर शिफ्टेड हैं, आप जब बैठते हो हल्के से झुक के बैठते हो तो काफ़ी मतलब आपको अच्छा एग्रेसिवनेस भी देती है, लाइक आप कंफर्टेबली चला सकते हो, आप अग्रेसिव होकर भी चला सकते हो, तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पे मज़ा मिलने वाला है। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए ना तो प्रॉपर अपाची 164B वाला फील आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर उसी तरह का इंजन है, उसका इंजन करेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी सिटिंग पोजीशन लगभग उसी तरह की कर दी गई है, उससे बेटर कर दी गई है आई विल से क्योंकि भाई वो भी बहुत चला रखी है, तो भाई हाँ अच्छी तो है। बाकी बात करते से गियर बॉक्स की, तो अभी हम लोग हैं थर्ड पे, एक बार पाँच पे हो गए, झटका लग के बंद हो गया। तो गियर बॉक्स एक बार में भाई एक नंबर पे थी, फिर एक बार पाँच नंबर पे चली गई, तो फॉल्स गियर्स नहीं लगते हैं और गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा वर्क करती है। बाकी इस रास्ते पे भाई बहुत डेंजरस रास्ता है ये, बचती रास्ते आस्ते निकल गया, बहुत इजीली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी इजीली आप यहाँ से निकल गए। सस्पेंशन की बात करें तो पीछे मोनोशॉक है, आगे USD है भाई, USD तो भाई स्टिफ रहता है बट आयल से कि ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, उतना ज़्यादा स्टिफ नहीं है, चीज़ों को अच्छा से अब्जॉर्ब कर ले रहा है और पीछे वाला भी आपको उतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, कंसिडरिंग मोनोशॉक है यानी USD लाइक अर्बनली चलाने के लिए बनाया गया है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें इन दोनों का रेस्पॉन्स देखने मिल जाता है ऑफ रोड्स पे भी, तो ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई इतना अच्छा हल्का फील हो रहा है, लग रहा है कि वीली कर दूँ, सच बता रहे हैं 1 kg ही कम है, लेकिन वो पता नहीं वेट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरह से किया हुआ है कि क्या, आई डोंट नो, बट मज़ा आ रहा है। वो वाली थोड़ी बड़ी बाइक वाली फील आती थी, ये वाली ज़्यादा निम्बल फील आती है, लग रहा है मतलब बस उदाद हो भाई। ऑफ रोड्स पर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे बैलेंस देखने मिल जाता है, काफ़ी सही है। ब्रेक्स की टेस्ट नहीं किए, कोई बात नहीं आगे कर लेंगे, बच्चे खेल रहे हैं। अब इसका टेस्ट करते हैं इनिशियल, क्योंकि भाई इनिशियल जो फील दे रहा है ना वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है भाई। प्रॉपर ड्रैगस्टर जो इसको बोला जाता है ना, ड्रैगस्टर, ठीक है, वो ड्रैगस्टर वाला फील आ रहा है। ज़्यादा सुंदर, सच बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर, मेरे को पहले से ज़्यादा इंजन रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, इंजन रिस्पॉन्स पहले से अच्छा कर दिया गया, आई डोंट नो हाउ, पता नहीं, बट हाँ इसमें तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि इंजन रिस्पॉन्स पहले से बेटर कर दिया गया है। और जो आपको बॉडी ब्लेसिंग मिल रही है ना, ओ वाह भाई, आप खुदा पना का चला दिया, अभी खुदा दिया मैंने, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है इसमें, कंसिडरेबल बाइक कंसिडरिंग इट्स वेट, बहुत हल्की है और इंजन रिस्पॉन्स गजब का। बाकी माइलेज की बात करते हैं, इजीली 45 to 50, चलाने पे डिपेंड करता है, 45 तो आपको कहीं नहीं गया है, लिटर कहीं नहीं गया आपको 45, हीरो है तो रिलायबल भी है। ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो पीछे और आगे हमें डुअल चैनल ABS देखने मिल जाता है, सबसे पहले पीछे की ब्रेक की बात करेंगे, बाइट अच्छा था, स्टॉपिंग पावर भी अच्छी थी, बट फीडबैक नहीं लगा, मतलब लगा नहीं कि ब्रेक लग रही है कि काम कर रही है कि नहीं, लाइक बाइट लेकिन काफ़ी अच्छा था, बाइट अच्छा था। फ्रंट ब्रेक की अगर बात करते हैं, काफ़ी अच्छा, बाइट भी अच्छा, स्टॉपिंग पावर भी अच्छी, फीडबैक भी अच्छा, कंबाइंडली अगर ब्रेकिंग करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स जो है मिलने वाला है फॉर श्योर। कंबाइंड ब्रेकिंग में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है सच्ची में। मिरर्स खुले हुए तो और हल्के लग रहे हैं, हालांकि अभी फुल फिटिंग नहीं हुई है इस बाइक की, बट मज़ा तो आ रहा है। ये कुछ उस तरह की बाइक है ना जो आपको फील दे रही है कि भाई नचा दो मेरे को, ठीक है, लिटरली कुछ भी करा दो हम सब कर देंगे, एकदम कुछ उस तरह का फील है। हालांकि 2V नॉर्मल वाले में भी था
जो USD वाला नहीं था इस वाले में भी है भाई, ज़बरदस्त। मार तो कर दे लेकिन देश के नहीं भाई, बॉडी बैलेंसिंग काफ़ी अच्छा है इसका, कॉन्डलिंग शो भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है यार, लिटरल भाई आई कंसिडर दिस, मतलब 160cc की बाइक में इतना ज़्यादा चला के मेरे को मज़ा किसी में नहीं आता। ठीक है, अपाची भी चलाई है, बहुत चलाई है, अपने दोस्त की है, झूठ नहीं बोलना है भाई, सच बता रहे हैं, मेरे को उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा है। हालांकि उसका इंजन रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है इससे, बट इसका रिस्पॉन्स अलग तरह का है, जिस जगह पावर देना चाहिए वहाँ दे रही है, और अपाची कई बार डरा देती है, कई बार पता नहीं कुछ तो होता है उसका, मिसिंग प्रॉब्लम आई थिंक, मतलब इनिशियल में कई बार छोड़ देता है पावर, कई बार फट से फेंक देता है, इसका वो चीज़ नहीं है, इसको जैसे देना चाहिए वैसे ही दे रही है। इसका इंजन कैरेक्टर जो है ना वो मतलब उसी तरह से बिल्डअप है, ठीक है कि एकदम जैसे है वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। लेकिन भाई नचा दो इस तरह की बाइक है ये, लिटरल नचा दो, राइड करके मेरा थॉट्स पूरे बदल गए। लाइक पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये क्यों किया कंपनी ने, लिटरल क्यों किया कंपनी ने, लेकिन सच बता रहे हैं पर्सनली अब चला के बता रहे हैं आपको, ये करने से आपका कुछ फ़ायदे हो, जैसे कि पहला फ़ायदा आपको उससे बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, उससे बेटर आपको कंफर्ट या फिर कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस मिल रहा है, डोंट नो हाउ मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये प्रैक्टिकलिटी, अब फैमिली को बैठने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीछे वाला सीट स्ट्रेट है और लो है, उसका काफ़ी हाई था, हालांकि उसको अगर दिखाया जाए तो देखो अब साइड से ज़्यादा बल्की लगती है, ज़्यादा बड़ी लगती है, देखो काफ़ी सही लगती है, बट भाई ये जो बना दी गई है ना, एक होता है कि मतलब बल्की नेचर, ठीक है बढ़िया चलेगा रोड पकड़ के, एक होता है कि एकदम स्ट्रीट फाइटर, भाई रास्ता पे आग मचा देगा, ये वही आग मचाली हुई मशीन है, लिटरल जो मज़ा दे रही है ना, मैं अभी भी फुलफिल नहीं कर पा रहा, मन कर रहा फिर से चलाते हैं, चलते हैं फिर से घूम के एक बार और आते हैं, भाई लिटरल मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे, अगर आप इसको कंपेयर करते हो अपाची 164V से तो उससे सस्ती आ रही है, डुअल चैनल ABS है इसमें, और नया लुक है इसका, इंजन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को, मतलब मेरे को ये बेटर लग रही है प्राइसिंग के हिसाब से। ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है उस हिसाब से बेटर, प्लस हीरो है तो एक हीरो का अलग ही अपना एक रिलायबिलिटी रहता है, तो वो उसके साथ आपको देखने मिल जाएगा। NS से कंपेयर करते हो तो भाई NS 160 हालांकि एक समय मेरे को बहुत पसंद थी, अब जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ना बहुत ज़्यादा हाई है। सेकेंड चीज़, हाँ NS 160 काफ़ी अच्छा है, लाइक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक काइंड ऑफ है वो, ठीक है, बट वो जो अब इनिशियल और टॉप एंड उसका है ना, वो मेरे को पर्सनली मज़ा नहीं आता है, लेकिन इनिशियल तब भी ठीक है, मिड अच्छा है उसका, टॉप बेकार है, मज़ा नहीं आता है मेरे को पर्सनली सेइंग। ठीक है, और बट ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को कुछ उस तरह के बाइक्स पसंद है जिसमें पावर अच्छा हो, आप काफ़ी अच्छे से उसको मनूवर कर लो, हैंडल कर लो, ये कुछ उस तरह की है। तो मतलब यही है, बाइक का करेक्टर है सबका, NS का अलग करेक्टर है, अपाची का करेक्टर, इसका अलग करेक्टर है, अपाची का उसका करेक्टर अब समहाउ अदर सेम हो गया है, लाइक पहले जो थी करेक्टर था वो डिफरेंट था, लेकिन समहाउ अदर अब दोनों का करेक्टर सेम हो गया है। ये अपाची से बेटर इन द सेंस इसलिए है कि इसका इंजन का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफर्टेबल दोनों ही हैं, बाकी ये हीरो की ब्रांडिंग है, इसमें माइलेज अच्छा मिलेगा आपको, बस यही डिफरेंसेस है दोनों में, बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना चाहिए। व्हाट आर योर थॉट्स, कमेंट डाउन बिलो। बाकी अब बात करते हैं इसका ऑफर्स के बारे में और प्राइसिंग के बारे में, तो इसका प्राइस पड़ रहा है 1,68,000 रुपीज़ ऑन रोड रूपनारायणपुर में। बाकी अब बात करते हैं इसके ऑफर्स के बारे में, तो हमें यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट देखने मिल जा रहा है, जो कि अभी पड़ जाएगी 1,65,000 रुपीज़ की ऑन रोड रूपनारायणपुर में, भाई बहुत सही है। बाकी और इसके ऊपर एक आपको हेलमेट मिल जाएगा, एसेसरीज अगर कुछ आती हैं इसकी तो वो आपको मिल जाएंगी शोरूम की तरफ से, लाइक फ्री वाली फुल फिटिंग के साथ आपको मिल जाएगी, एंड आपको हमारे अगर सब्सक्राइबर्स हैं आप तो 2 लीटर पेट्रोल का भी यहाँ पे आपको ऑफर देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए और आकर चेकआउट कीजिए, अगस्त भर आपको यहाँ 3,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट देखने मिल जाएगा, ऑन रोड पड़ जाएगी 1,65,000। मेरे हिसाब से 1,65,000 में बेस्ट बजट बाइक है ये, मज़ा भर भर के है। बाकी
अगर आप चितरंजन रुपये सुनानपुर जैसे एरिया से हैं और आपको हीरो की कोई भी ऑफरिंग देखनी है, शोरूम के सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कॉल कर लीजिए, आप अपॉइंट बुक कर लीजिए, फिर आइए चेकआउट कीजिए। अगस्त तक इन सारी बाइक्स के ऊपर अच्छा खासा आपको ऑफ देखने मिल जाएगा। एक्सट्रीम 125, एक्सट्रीम 200S, एक्सट्रीम 160R, बोथ 2023 एंड 2024 मॉडल, बाकी ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जल्दी आइए, जल्दी ग्रैब कीजिए, ऑफर क्लोजेस सून। होप करते वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।